अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामे हेत चुस बसाहिल अमीन तुंदिस खिदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। पंजी नारा एचएमटी श्रीनगरस मंज आज तम साथ खलबल सपजमस इल इलाकस मंज कायम ग्रामीण बैंकस मंज के निकाब पोश नफर दाखिल सपद वन शिवान से आज दोपहरन च पंजी नारा श्रीनगरस मंज कायम ग्रामीण बैंकस मंज के निकाब पोश नफर दाखिल सपदमित यत दौरान तम बैंकस मंज मौजूद 3 लाख खुद ज्यादा नकदी रकम निनस मंज कामयाब सपद। यह वाक पेश इन पत ये पुलिस तरफ बैंक मुलाजमन हिज प्रेसगर शुरू कर तच फोर्सेस एहलकारो तरफ यह वाक पेश इन पत इलाक मुहासर कर आमुत जन आखिरी इतला वातनस तमाम निकाब पोश नफर हूं तलाश जारी उस बाविल लायक जी ये रेतन बहमि तारीख दगमुल्ला कुंजर टंगमर्ग मज कह निकाब पोश नफर ग्रामीण बैंकस मज दाखिल सपदन पत ज लक्ष खुद ज्यादा रकम निनस मज कामयाब सपदमित ये पत पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकत शुरू कर आमुत। मुतहदा मजलिस उलमा तरफ आवाज बड़गमस मज अंजुमन शेरी शियां के सदर दफ्तर पे इजलास सांझ कर यथ आगा सईद हसन अल मौसवी तो जम्मू कशीर हिंद मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम अलाव दोमो उलमाओ तो रहनुमाओ शिरकत कर अत मौक पे ये वसीम रिजवी सिंद तरफ दिन आम बयान तो इकदाम मजम्मत कर आई तत सुप्रीम कोर्टस मांग कर आम दाखिल कर आम अर्जी गज खारिज कर युन मुसलमान हिंद जज्बात मजीद मजरू सपदन। ये नुमाइंदा इजलास वसीम रजवी मलून की नाशाइस्ता हरकत और इर्तदादी फेल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और हुकूमत से ये मुतालबा करता है कि मजकूरा शख्स पर कुरान करीम की तोहीन करने पर उसको गिरफ्तार किया जाए और उसे करार रिवा की सजा दी। कुरान करीम मुसलमानों की मुकद्दस किताब है और दुनिया के करोड़ों लोगों का इस पर अकीदा और एतिकाद है। मिल्लत इस्लामिया को यकीन है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट इस नाम नहाद कर अर्जी को जल्द अज जल्द खारिज करेगी। ये प्लेटफार्म इस बात को वाजा करना चाहता है कि और ये मुतालबा करता है कि मुतहदा मजलिस उलमा के सरबरा जनाब मीरवाइज साहब को उनकी खाना नज़रबंदी से जल्द अज जल्द रिहा किया जाए ताकि ऐसे मामला तो जो वाकब होते हैं उनमें वो बेहतर तरीके से रहनुमाई और क़यादत कर सके। मौजू बड़ा हसास है, ये मौजू वसीम रिजवी नामी एक गुमनाम शख्स के बारे में है जो तौहीन कुरान करता है और जो कुरान की आयात में तहरीफ चाहता है और हम लोगों ने यहाँ पे इस खानकाह पे जो कि बड़गाम में है और आगा से सईद यूसुफ साहब के दौलत खाने पे एक इजलास मुनक़द हुआ जिसमें आगा सईद हसन के दौलत खाने पे ये इजलास मुनक़द हुआ जिसमें वादी कश्मीर के मुक्तदर उलमाए किराम ने शिरकत की और ये इजलास जो है मुतहदा उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अंजुमन शरई शियां की वसात से मुमकिन हो सका। आईपीयू सदरन आज नई दिल्ली में लोकसभा लोकसभा मेम्बर खिताब करान वोनमुत पुर्तगालस तो भारत दरमियान रिश्त मजबूत करने सवाल दशवी मुल्को तरफ कई अहम कदम तुलना आमित जन तमो अत मौक पे भारतीय ऐवानस यकीन दुत यूएनस मज कर पुर्तगाल हमेशा भारत सपोर्ट। How small we are. It shows that we are inside the same boat. It shows that we need a common work to win this battle against this cancer, against this pandemic. And it shows also that the multilateralism is also in health the solution to win this war. And again, India is one example to the world. Because with your courage, you take very hard measures, but also because you don't look just for you. Before the vaccine and after the vaccine, you give concrete help to so many nations of our world.
Thank you so much for that. I hope that as soon as possible, it will be possible to come back to a normal life. And we should learn how important it is to work together and follow your example, because it is essential to have a better world. Finally, after everything, I present to you, my friends, I think that India should achieve the place you should have in all international levels. In IPU, where we will work together, side by side, every day, in all important issues. You have my word. In UN, United Nations, where Portugal supports the reform process and the inclusion of India as a permanent member of the Security Council. And in international level, as a more and more important player in all fields, which opinion is respected and leadership and actions are essential. Now, Mr. Speaker, I just need to say, very soon I will go home, but I don't know if I wish, because I feel at home. I feel an Indian person. Thank you. अर्बन लोकल बाड़ी मज कम करन वालों कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिमो तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाजी मुजाहरे कर आमुत यह दौरान एहजाजस में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान एहजाजस में शामिल मुलाजिमो तरफ वन आमुत जोदवे तम पत्मो कैया वो पे महकमस मे पे फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम चुन तिंद मसल अंजरावन सवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन तम एहजाज कर मजबूर सपद एहजाजस में शामिल मुलाजिमो तरफ मसल अंजरावन मांग कर आम देखिए अगर हम बात करेंगे तमाम सफाई कर्मचारी या कंसल्टेंटों की बात करेंगे सुबह 6 बजे उठकर 2 बजे तक गली कोचों को साफ करते हैं गंदगी नंगे हाथों से उठाते हैं हम बहुत माना गुजारिश करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को और अपने डायरेक्टर साहब को बहुत माना गुजारिश करता हूं कि हमें गरीबों के साथ इंसाफ दिलाए हाँ और बस सर यही चाहते हैं कि हमें रिजर्वेशन करे और मिनिमम वेज एक्ट को लागू करे यही हमारा मसला सफाई कर्मचारी और कंसल्टेंट्स अपर प्राइमरी स्कूल डांगरपुरा ऊंचपोरस में जेर तलीम तलब इलम तो तैनात वस्ताद तरफ शिकायत बवान वन आमुत जोदवे मुकामी लूको तरफ स्कूल अंद पे छोटे डेर जमा कर तम सलब इलम तो वस्ताद सठा मुश्किल वतरन पेवान ताहम चुन आम लूको तरफ चैनवन दिन बावजूद अत पे रोट लागन आमुत वस्तादो इंतजामिया मांग करम जत पे रोट लागन बाप ग कदम तुलने यन युत जन तलब इलम पढ़ाई मुतासर सपद सर अंदर कि सकूल असल वह खूबसूरत जल्द अंदर छजान अतन सड़क पे वह गुह यहां अतन गु आज सर्दी आज ना मछ बेतर ये गर्मी वातान जून जुलाई वातान मछ बेतर बेमार हेकान पे वह हेकान बेमार पे अपील गुह तुलन थोद ये उनको भी हमने कहा कि ये कार डाले बिल्डिंग पर गिराने का खतरा है एक दो तो गिर चुके हैं विंटर में और बर्फ भी इस पर फिर गिरी थी तो हमारा छत भी डैमेज हो गया तो इस वक्त मैंने 2-4 मास्टर भेजे अंदर गाँव में ये मेहरबानी करके यहाँ से उठाइए यहाँ के लोग इसकी तरफ खास तवज्जो नहीं देते हैं हमारे बच्चों का सारा दर्द हमारा SOP तब काम आएगा जब हमारा माहौल साफ होगा जब इर्द गिर्द माहौल गंदा होगा तो हमारा SOPs किसी काम का नहीं आएगा हमारी अपील है यही कि ये गांव वाले इसको उठाएं और यहां से गंदगी न डालें काजीपुरा टंगमर्गी मज कम प्राइमरी स्कूल इमारत ये कैं वरी ब्रोह नुकसान सपूद ताहम चु अत तैनात वस्तादों तो जेर तलीम तलब इलमो तरफ वन आमुत जे महकम
محکمہ تعلیم طرف عمارت سن شہر پر حوالہ کان قدم تلنا آمت یم کن طالب علم تو وستادن سٹھا مشکل ویترن پیوان یپر متعلق محکم کے ذمہ دارو طرف ون آمت زی معاملہ انتظامی چ نوٹس مز ان آمت تہن قریب ان وستادن تو طالب علم ہند مشکل دور کرنے میں نام سفینہ جی میں ادھر آئی ہوں پہلی بار اسکول پر ادھر ہمیں بلڈنگ نہیں ہے ہمیں ایک ہی کمرہ ہمیں باتھ روم نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ادھر اسکول چاہیے ہم اچھی طریقے سے پڑھیں ادھر جی تو کتنے کلاس یہاں پر ہیں آپ ہم پڑھتے ہیں فورتھ کلاس میں اچھا آپ فورتھ کلاس میں پڑھتی ہو جی کتنے بچے ہیں یہاں پر ادھر بہت سارے بچے ہیں اور ہمیں جگہ نہیں ہے ادھر ہم پڑھنے کے لیے ادھر آتے ہیں پر ادھر جگہ نہیں ہے ہمیں بلڈنگ نہیں ہے ہمیں باتھ روم نہیں ہے ادھر یہ بلڈنگ سب ٹوٹ گئی ہے اور یہاں پر ہمیں کمرے بھی نہیں ہیں ہمیں باتھ روم ہے ہمیں یہاں پر کھیلنے لیے جگہ بھی نہیں ہے ہم کہاں جائیں کھیلنے لیے جو ہمیں مطلب اس لیے ہمیں جو کھیلنے لیے جگہ ہے وہ ہمیں پھر کھانے پینے کے لیے ہمیں گھر جانا ہے اور باتھ روم اگر جانا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں گھر ہی جانا پڑتا ہے یہاں پر ہے نہیں اس لیے یہ بلڈنگ اور ٹوٹی ہوئی ہے اسے سرکار سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں یہ بلڈنگ جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے جلد سے جلدی ٹھیک کری جائے میں یہاں اس اسکول میں ٹیچر ہوں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے پچھلے سالوں سے پڑی ہے اس طرح بچوں کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بدقسمتی سے ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے یا تو حل ہونا چاہیے کہ کوئی مطلب یہاں بچے 57 رول ہیں یہاں تو یہاں بچے پڑھنے چاہے غریب گھرانوں سے یہاں بچے آتے ہیں لیکن بدقسمتی سے کچھ حل نہیں ہو رہا ہے جتنے بھی ٹیچر صاحبان ہیں یہاں پریزنٹ ہیں اور رول بھی اچھا خاصا سا ہے یہ ایک آپ سمجھے کہ یہ ایسی بھی شکایت کی ہے اگر انہیں باتھ روم کے لیے جانا پڑتا ہے انہیں پہلے باتھ روم استعمال کرنے کے لیے گھر جانا پڑتا ہے کس حد تک یہ صحیح ہے یہ بات صحیح ہے کہ باتھ روم نہیں ہے یہاں قاضی پورہ ٹنگ مر کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہاں ایک بلڈنگ سینکشن ہوئی تھی ورلڈ بینک کی طرف سے لیکن وہاں تھوڑا بہت مسئلہ اڑچنی آ گئی جنگلات اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے درمیان جس کی وجہ سے ہم نے یہ جنگلات ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ ٹیک اپ کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس سال وہ مسئلہ تقریباً 100% کلیئر ہو جائے گا جس کی تو یہ پرابلم بھی نہیں رہے گی وہاں انشاءاللہ عالیشان بلڈنگ بن جائے گی اور بچے بھی وہاں اکاموڈیٹ ہو جائیں گے بچوں کو جو ہے گھر جانا پڑتا ہے باتھ روم یوز کرنے کے لیے تو اس حوالے سے آج تک نہیں جی دیکھیے 2015 میں وہاں دو اسٹرکچر بن گئے تھے وہاں ٹوائلٹ فیسلٹیز تھی وہاں پر آلریڈی اویلیبل تھی لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہے تو اس میں دیکھوں گا کیا بات ہے کیونکہ وہاں سے جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہے وہ پوری رپورٹنگ دیتے ہیں کہ یہاں پر پانی بھی کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ٹوائلٹ فیسلٹیز بھی یہاں ہے میں دیکھوں گا وادی ہندس روایتی بھائی چارس یت وز وز زخ واتن کوشش کرنا آئی تاہم وادی مز روزن والو لوکو طرف پریت وز یم کوشش ناکام بنوت یم کتھ ہند ثبوت پیش کورمت زی وادی مز روزن وول پریت کان فرد روایتی بھائی چارس گوڑ برن باپت تیار ڈلسیر سرگفورس مز روزن ول کشر پنڈت یت آبائی وطن ترت دن شہرن مز آباد سپد تاہم کئی وری گزرنے باوجود مقامی مسلمانوں طرف علاقس مز قائم مندرچ رش راوٹ تو شہر پر کرنے اس زن ام بھائی چارچ تازہ مثال ہور حض اتنا کنزگام بیا محل یہ وان ڈلسیر اس واتن سن پرین تہ سن باب جائیداد تہ مول تہ سن اوہ بھائی چارو اصل ونکس تم فون کر تم کر اس ہیرس پہ تم مبارک کر تم عیز پہ مبارک کر روزان یہ ڈلسیری بڑ بایا ستھ اصل وتھان بہان لکچار پہ اس بوڑھمت تم ست ملزم تم سان بچن تم ہوں یعنی پہ اور ذل تم پہ سان بچن تہ مشکل کیا مڑ یہ سر واقع ہچان کر تعلیم یافتہ اور مڑے تم سر لکچار پہ نند تہ کر مطلب وتھان بہان بت تہ کھانے اکٹے بڑ برادری سان اصل ونکس تیون تمہن واقع ریسپیکٹ کر چائے دن گھر بت دن گھر پتہ نیر خوش خوشحال پہ تم یہ کھانا پرواہ مرکزی سرکار طرف یت تعلیم یافتہ بے روزگار کورن ہند باپت نیشنل رورل لائیولی ہڈ مشن سکیم متعارف کرنا آئی تب گڈورا پلوامس مز قائم سینٹر ست وابستہ کورو طرف ون آمت زمہ سکیم ستم سٹھائی
फायदे वातन ये जन हुनरमंद कोरियो तरफ हुकूमत मांग करना आई जकीम मजीद मुस्तकम तो फाल बनान बापत ग कदम तुलने यन यु जन गरीब तो बेरोजगार कोरियन अन चोर जन मौक फराहम सपद हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया है कुछ करने के लिए बस हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एनआरएलएम का साथ दे उसको बढ़ाए उसको तरजीह दे सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं जो पुअर लोग हैं जो बहुत सारे गरीब हैं जिन तक कई सारी स्कीम्स नहीं पहुँचते हैं तो लेकिन हम एनआरएलएम का बहुत शुक्रगुजार हैं उनको मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि एनआरएलएम को ज़्यादा तरजीह दे उसको ज़्यादा अहमियत दे सेटिस्फैक्ट्री नहीं है अब हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं कि आपने माशाल्लाह मार्च अप्रैल अप्रैल में आपने बोला था कि हाँ आप आपको एलिमेंट्री ये जो हमारा सेंटर है ये एलिमेंट्री हम आपको 1000 देंगे लेकिन हम 10 to 4 यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं कि इसीलिए हम आप इसको इस सेंटर पे एडवांस कीजिए और हमें इंक्रीमेंट कीजिए अपने जो आप हमें सैलरी देते हैं उनको इंक्रीमेंट कीजिए यपर कपवरस मज आज एन आर एल एम स्कीम तहत मालुक सन्ज कर आमुत यम जिल तरकती कमिश्नर कपवर तो इंतजामी क्यों जिम्मेदारो अलाव सेल्फ हेल्प ग्रुपन सत वस्त नौजवानों शिरकत कर अत मौक पे ये कैया स्टाल लागन आमित तत जिल तरकती कमिश्नर वोनमुत जो प्रोग्रामो सौजवान पुय रोजगार कमान हवाल जान फराहम सपदान जो हम सब यहाँ पर हैं हम अभी पीआरपीज एज ए पीआरपीज काम कर रहे हैं जे के आर एल एम में चूँकि जो ब्लॉक स्टार्ट होता है एनआरएलएम का उम्मीद का ब्लॉक स्टार्ट होता है तो काम स्टार्ट करता है एक पीआरपी पहले से उसको खुद ही मोबिलाइजेशन करनी पड़ती है फिर बाकी एसआईजीज बनाने पड़ते हैं अभी जो हमारे आईसीआरपीज आते थे अब वो भी नहीं आते हैं कभी कभी एक साल दो साल के बाद अब हमें ग्रुप्स भी खुद ही बनाने पड़ते मगर मसला ये है कि हम जब हमारे दो साल हो जाते हैं एक ब्लॉक में कम्प्लीट तो हमें किकआउट किया जाता है ब्लॉक से हमें ये बोला जाता है कि आपका कोई काम ही नहीं है आप मिशन में आपका काम खत्म हुआ तो उसके बाद जो हम सब यहाँ पर है अभी एक एटलीस्ट हम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करें 32 पीआरपीज हम काम कर रहे हैं इसमें उनमें से आधों को अभी घर में बैठा है जो अभी बेरोजगार हुए हैं हम जो ये यहाँ पर ये स्टॉल लगे हम इनको मतलब दिखाते हैं कि रोजगार करना कैसे है अगर पन्नस ये डिपार्टमेंट्स कुन वो पहले रूरल डेवलपमेंट उम्मीद है अत मे गई मुश्किल कुन हिसाब अलबत् अक हिसाब गई फंडस ज्यादा लेट इन फंडस पन्नस टाइमस पे कि पत्क मेम्बर लाइवलीहुड करा क्रिएट तुम्हें गाँव प्रॉब्लम फंडस लैब्स ग तुम्हें पन्नस वक्त पे वादा कहीं बाकी सेटो मार्केटिंग मतलब आइटम्स ये अवेलेबल आसा चीज आसा यूत यो ये गो मतलब यूत यो कि कहान मगर अच्छे मार्केट अवेलेबल कहीं ये तुम सेल ग ये पे रेट उम ग ज्यादा उम्र बड़े इंट्रस्ट ज्यादा ज्यादा कर अस गोस मार्केट असल सान चीजन गोस मार्केटिंग तथि पन्न पन्न ब्लॉकन मज आई हाँ जो आज का ये फंक्शन था ये असल में इट इज़ एज गुड एज ए ट्रेड फेयर तो इसमें डिफरेंट स्टॉल्स लगे थे ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम की तरफ से यहाँ पे एक हुनर मेला लगा हुआ था इसमें डिफरेंट स्टॉल्स लगे थे और डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं 4000 से ज़्यादा यहाँ सेल्फ ग्रुप हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में है और ये मुख्तलिफ ट्रेड्स के साथ जुड़े हुए हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ एनआरएलएम के इनको जो यहाँ पे इनके ज़िम्मेदार हैं कि उन्हें बड़ा बेहतरीन ये ऑर्गेनाइज किया हुआ था और जब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो नमूने हमने देखे और जो इन्हें स्टॉल्स लगाए थे वहाँ बेहतरीन आइटम्स थी इसके साथ ही हमने उनको एक डायरेक्शन भी दी कि इनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड होना चाहिए इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए ताकि इनके इस कसब को इस हुनर को जो है बाजाबता प्लेटफॉर्म मिले इसको प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट मिले ताकि इनको एक मार्केटिंग लिंकेज उससे डेवलप होगी जिससे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो असली कंसेप्ट है वो हम अचीव करने में कामयाब हो जाएँ हाल जम्मू कश्मीर फिशरीज एम्प्लॉज एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्ज कर आमुत यथ मज मुलाजमन हिंद मसल वतला आई ये जन अत मौक पे इंतजामिया मांग कर आई जिशरीज मुलाजमन हिंद मसल अंजरान हवाल ग संजीद कदम तुलने यन युद्ध जन तिम मजीद मुश्किल वतरन पेन हम लोग पूरे हफ्ते पूरे महीने 24 आवर्स काम करते हैं और हमारा 2.5 डे सैलरी अभी भी सेंक्शन नहीं हुआ है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द career progression there is no assured career progression as far as the non gazetted cadres are concerned pichle saal hum logon ne ek reorganization file banayi thi lekin ye na actually there is a deeper connotation to it hum log 1700 mulazimin hain agar aap dekhoge there is just 1.5%
जो गेजेटेड कैडर में है। ऑलमोस्ट 99% हम लोग नॉन गेजेटेड कैडर्स में है फिशरीज डिपार्टमेंट के। ये जो विलफुल स्टैग्नेशन का मसला बना के रखा है, इससे एक पर्टिकुलर क्लास को फायदा मिल रहा है। आई रिटीरिएट दैट इज ओनली लेस देन 1.5% गेजेटेड कैडर, उनको फायदा मिल रहा है। उसकी वजह से ये विलफुल स्टैग्नेशन हम चाहते हैं। आई मीन देयर इज इमीडिएट नीड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इन द डिपार्टमेंट, रिऑर्गेनाइजेशन इन द डिपार्टमेंट। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी रिऑर्गेनाइजेशन हो। टंगमर्गी हिंदन कईन इलाकन मज आज महकमे जंगलात तरफ शजरकारी मुहिमे सज कमुत यथ महकम क्यों जिम्मेदारों अलव अहलकारों शिरकत कर अत मौक पे कैया बोन कुल लागन आई तथा जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जिस हदफ महकम दिन आमुत सह हदफ पूरा कर बापत इन संजीद कदम तुलने युत जन सह मकसद पूरा सपदि यम बापत यह मुहिम शुरू कर आई। चिनार का भी जहां तक हम देखते हैं, इसकी जो जेनेटिक रिपोजिटरी है उसको बढ़ाने के लिए चिनार प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। इस वजह से जो हमारी ऑलरेडी चल रही है ग्रीन जे एंड के ड्राइव, जिसमें हम प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं, अपने डिग्रेडेड फॉरेस्ट में भी कर रहे हैं वो प्लांटेशन ड्राइव्स, जिसमें हम मोस्टली जो हमारे यहाँ पे कॉनिफर स्पीसीज हैं, देवदार हैं, केल हैं, फर हैं, वो लगा रहे हैं। लेकिन आज के डे का एक खास स्पेशल मैसेज ये थी कि चिनार जो हमारे हेरिटेज ट्री हैं, जो स्टेट ट्री भी हैं, आप यूटी ट्री भी बोलेंगे, यूटी ट्री जो आज के हमारे डेट में है चिनार, तो उसमें आज का स्पेशल यही था मकसद कि चिनार को बचाने की बहुत ज़रूरत है। उस वजह से भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसमें एक पहल की है, क्योंकि हमारे ग्रीन जे एंड के ड्राइव में भी हमने इसको लाया है कि प्लांटेशन ऑफ चिनार्स, तो उस वजह से आज हमने ये यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव की। ये हमने यहाँ पे ही नहीं किए, आज दो तीन जगहों पे हमने ये की है। खाग में एक जगह की है, ओगमुना यहाँ पे टंगमर्ग में और एक जगह है, वहाँ पे भी हमने की है। वारपूरा पहल दर्जी हंदवारको लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत जदवे सड़क हज खस्तहाली हवाले कई आई फिर हुकामन जान फराहम कर आई ताहम चुन कह कदम तुलने आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पे मुकामी लूको तरफ मांग कर आमुत सड़क हज शहरपोर हवाले गसन कदम तुलने यन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर। जब इस रोड की बात हम करेंगे जो पालपुरा से जाता है और यहाँ लिलम वारपुरा पहल दिजी टू लिलम बहुत बड़ा इलाका है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि जो ये आरएनबी के अंडर रोड है, तो हम इसके बारे में हमने बात की थी लास्ट टाइम कंसर्न जो हमारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा थे खोरू साहब एग्जल विजुअल्स हमने लिए थे, फोटोग्राफ्स लिए थे इस रोड के, पैथेटिक कंडीशन है। फिर हमने खोरू साहब के सामने वो टेबल पर रखे थे, तो फिर वहाँ ऑफिस अप्रोच जो उनका था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो एग्जाम थे हंदवारा के खोरू साहब बहुत अच्छा था। हमें ये लगा कि शायद इन द रियल सेंस दे आर गोइंग टू गिव द प्रैक्टिकल शेप टू हिज ऑर्डर व्हाट ही सेड, जो उसने कहा हमें कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क वेरी सून। ऑफिस अप्रोच और ऑन ग्राउंड जीरो दे आर टू डाइवर्जेंट थिंग्स, वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, ग्राउंड दावे बहुत बड़े किए लेकिन ऑन ग्राउंड नथिंग हैपनड, कोई काम। महमूदपुर बेहीबाग कुलगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत जदवे मुकामी सड़क हज खस्तहाली किन आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पे मामले कई आई फिर हुकामन हज नोटस मज तन आव ताहम आज ताम कह कदम तुलने आमुत। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत जड़क हज शहर पर हवाले गसन कदम तुलने यन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर। यह रोड आज कनेक्ट मोहनपुर शुपियन योर ग बेहबाग सो पत्मे मे बस कुछ सदह पे इथे तो वे करा डी सी साहबस कलगमस अपील कि यह कर दी तो थोड़ा तवजु अमित तंग ना दुकान बनान त्रा नन वाति पकुन ना कह गाड़ी वे मान पक हत कि आटो वल पकान तुम तकान कह यु वह कायदन त मान पकुन ये अख दोब मतलब तान अगर डिलवरी केस यप पकन मे बस तमिस गति डिलवरी तीस ये प्रॉब्लम। पटन मार्केटस मज कर वालों दुकानदारों तो मुकामी लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत जदवे मार्केटस मज लूकन हंद फेरन थोरन मुश्किल सपुदमुत तो कई आई फिर हुकामन हंद जोन अत कुन फिर आव ताहम चुन कह कदम तुलने आमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत पटन मार्केटस कुन गई जोन दिन युन युत जन दुकानदारन तो वति पकविन बुथिन वल मुश्किल दूर कर। पटन मार्केट यह पटन बुथ वो नजर थी योकन कोतः योतान गाड़ि मे बोन वसान जंग रबि मज बद तो मे दपे ये करो थल थल थो मौक वन कहें तो बहुत अपील करा कि टावन नेरी वाले कि यह कर सफाई कर बराबर गुलाम उद्दीन शोबी पटन दुकानदार रोजन वोल
یہ وچ تس یا یہ گو سان بازر حال یم سات شین پیو پتہ حض کر کم پتہ حض اونک یہ سا یہ اور یور سمرائت لوگ ڈوزر تو لوگ یہ یہ دکاندار یہ خریدار یہ تو بھائی دکان یہ پکنی بنائے سن یا چھ بنو ٹیچر کم از کم گھس تو انصاف تحت گھس گھس یت گھس تو روڈ رسی تراو یا کی تراو اگر وہ اسے ونان دی فنڈ دیو تو ناظرین ات سوت خبرنامہ دیو اجازت خدا سوال